हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। अगर आप सुपरमैन के फ़ैन हैं तो आपको पता ही होगा कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड हमेशा ही सुपरमैन की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की वजह से ही सुपरमैन को ये पता चलता है कि उसका क्रिप्टोनियन कल्चर क्या है और उसके पास कितना पोटेंशियल है और वो एक सुपर हीरो बन सकता है। यानी कि हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड सुपरमैन की लाइफ में। चाहे एनिमेशन मूवी हो, चाहे कॉमिक बुक हो, चाहे लाइव एक्शन मूवीज़ हो, हमेशा ही फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करके हमको दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टोफर रीव का जो सुपरमैन था उसमें भी हमें दिखाया गया था कि एक ऐसी लोकेशन है जो ह्यूमन सेटलमेंट से थोड़ा सा दूर है। वहाँ पर जाके क्रिस्टोफर रीव को पता चलता है अपने क्रिप्टोनियन कल्चर के बारे में। सुपरमैन रिटर्न्स जो थी उसमें भी हमको दिखाया गया कि एक लोकेशन है ह्यूमन सेटलमेंट से दूर, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। लेकिन जो जैक स्नाइडर का वर्जन था मैन ऑफ स्टील का, उन्होंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये दिखाया था कि एक क्रिप्टोनियन शिप पुरानी जो क्रैश हो चुकी है वही फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का काम कर रही थी स्नाइडर वर्स में। इसके अलावा टीवी शोज हर जगह हमको फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तो दिखाया गया है अलग अलग वर्जन के तौर पर। अब सवाल उठता है, जो जेम्स गन का सुपरमैन है सुपरमैन लेगेसी, इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से? यानी वो किस तरीके का हमको दिखाया जाएगा, क्या आउटडोर फिल्म किया जाएगा या स्टूडियो में फिल्म किया जाएगा? तो इस वक्त आप जानते हैं कि जो सुपरमैन लेगेसी है उसकी जो लोकेशंस हैं उनको पसंद किया जा रहा है इस वक्त। यानी किस किस लोकेशन पे हमको मूवी को फिल्म करना है। जेम्स गन बता चुके हैं कि एटलांटा में मूवी फिल्म होगी और एटलांटा के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड कई सारी लोकेशन में सुपरमैन लेगेसी फिल्म हो सकती है। तो जो सिनेमेटोग्राफर है इस मूवी के, स्टीफन सेरेटी, उन्होंने रिसेंटली ही कुछ पिक्स और स्टोरीज अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, जहाँ पे वो नॉर्वे को विजिट कर रहे हैं। अब गाइस, नॉर्वे जो यूरोपियन कंट्री है और काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में पड़ती है, आपको पता ही होगा इसे लैंड ऑफ द नाइट सन भी बोला जाता है आई थिंक। यानी कभी कभार यहाँ ऐसा होता है कि रात को भी सूरज काफ़ी टाइम तक निकलता है। और यहाँ पे एक साइंटिफिक फिनोमिना हमको देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। यानी रात के टाइम आसमान में ग्रीनिश कलर की लाइट्स दिखाई जाती हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट नॉर्वे और आसपास की कंट्रीज़ जो हैं नॉर्वे की, वहाँ पे ये हमको देखने को मिलता है। तो लोगों का ये कहना है कि शायद नॉर्वे जो लोकेशन है हमारी, उसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के आउटडोर सीन्स के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड फिल्म तो इंडोर में किया जाएगा स्टूडियो के अंदर, लेकिन जो एक्सटीरियर शॉट्स होंगे या जो बाहर के जो सीन्स होंगे आउटडोर सीन्स, उसके लिए शायद नॉर्वे को यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि ये जो लोकेशन है नॉर्वे, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है। और आप जानते हैं गाइज, CGI VFX चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, रियल लाइफ लोकेशन की वो टक्कर कभी नहीं ले सकता। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के आउटडोर सीन या एक्सटीरियर सीन्स के लिए तो गाइज मेरे ख्याल से बहुत सही डिसीजन रहेगा। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कॉमिक बुक एक्यूरेट रखा जाए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को, क्योंकि सुपरमैन लेगेसी जो मूवी है, आप जानते हैं गाइज, DC यूनिवर्स पूरा इसी मूवी के कंधों पे है। क्योंकि सुपरमैन के बारे में आप जानते हैं कि हम बोलते तो रहते हैं कि मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो, लेकिन कभी कभार लोग सवाल भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो है जो $1 बिलियन मूवी नहीं क्रॉस करा के दे पाया आज तक। तो जो सुपरमैन हेटर या DC हेटर्स हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सुपरमैन लेगेसी एक बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस हो, क्योंकि सुपरमैन जो है वो बेस्ट सुपर हीरो है। और अगर ये मूवी बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस होती है तो इसका एक प्रूफ भी मिल जाएगा कि हाँ, बॉक्स ऑफिस पुल भी सुपरमैन रखता है। तो जितने भी सुपरमैन फैंस हैं, सुपरमैन लेगेसी को ज़रूर सपोर्ट करें। और गाइज, आपको क्या लगता है, क्या जेम्स गन का ये जो प्लान है नॉर्वे या एक रियल लाइफ लोकेशन को यूज़ करना फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के एक्सटीरियर सीन्स के लिए, क्या एक सही डिसीजन है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।